भारतीय बाजार में आज सोना 38,643 रुपए का नया रिकॉर्ड इसने छुआ है। कॉमेक्स में तेजी और रुपए में कमजोरी में सोने का बुलरन कायम रहा है और घरेलू बाजार में एक महीने में सोना लगभग 10% और साल भर में देखेंगे तो करीब 30% की तेजी सोने की कीमतों में देखने को मिली है। सोने के साथ साथ चांदी में भी अच्छी खरीदारी का कारोबार आज के सत्र में हुआ और एमसीएक्स पर चांदी के भाव 2% की बढ़त के साथ नवंबर 2016 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। अब सवाल यह है कि सोने चांदी की तेजी कितनी टिकाऊ है, अगले टारगेट्स क्या होंगे और इस तेजी के बावजूद भी क्या खरीदारी का मौका है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 के कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हैं, इंडिया निवेश कमोडिटी के मनोज कुमार जैन हैं और एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। गोल्ड पर आउटलुक लेंगे लेकिन पहले शुरुआत करेंगे हॉट पिक्स के साथ और बताइए प्रियंक, आप बताइए आपके हॉट पिक्स क्या हैं आज के लिए। आज हमारी पिक एनर्जी कॉम्प्लेक्स में रहेगी, क्रूड ऑयल में। शेल की रणनीति रहेगी अराउंड 39.30 के आसपास, स्टॉप लॉस 39.30 के रहेंगे और शॉर्ट टर्म में टारगेट्स 38.30-38.100 के आसपास के रहेंगे। दूसरी पिक कॉपर में रहेगी, 447 के आसपास इसे सेल किया जा सकता है, स्टॉप लॉस 453 का रहेगा, शॉर्ट टर्म टारगेट्स 437 के रहेंगे। ठीक है, तो कॉपर और क्रूड यहाँ पर दो स्ट्रैटेजीज मिली हैं और दोनों पर ही बिकवाली की पोजीशंस आपको बनाने की सलाह दी जा रही है, लेकिन गोल्ड पर और सिल्वर इन दोनों पर फोकस करते हैं। और मनोज पहले तो अपनी हॉट पिक्स बताइए, उसके बाद गोल्ड पर आपका आउटलुक भी लेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या सजेशन है आपका? बिल्कुल नमस्कार, पहली हॉट पिक जो है यहाँ पे मेंथा तेल पे होगी, यहाँ पे 1300 के स्तरों पर खरीदारी करना चाहिए, 1284 का एक स्टॉप लॉस रखें, लक्ष्य होंगे 1340 रुपए के। दूसरी हॉट पिक होगी कैस्टर सीड सितंबर वायदा में, यहाँ पे 5680 के स्तरों पर बिकवाली करना चाहिए, 600 तक के लक्ष्य रखें, 5720 का एक स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये दो स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं जहां पर पोजीशंस आप बना सकते हैं। कैस्टर सीड में बिकवाली की रहा है, 5720 का स्टॉप लॉस, 5600 का आपको टारगेट रखना होगा और दूसरी मेंथा ऑयल पर खरीदारी का व्यू है, 1284 का स्टॉप लॉस, 1340 का टारगेट। लेकिन गोल्ड और सिल्वर अब करते हैं फोकस और मनीषा जी पहले तो आप ही बताइए, इनफैक्ट हम पिछले 3-4 दिनों से स्पेशली काफी बातचीत कर भी रहे हैं सोने की और तेजी थमने का नाम ले नहीं रही, अब लग नहीं रहा है कि 40,000 बहुत दूर है? एब्सोल्युटली, जिस तरह की बढ़त यहां पर देखने को मिली है जो एक तरफा है और क्यों ना हो, क्योंकि रोज हम नए नित नए ऐसे फंडामेंटल्स बाजार में आता हुआ देख रहे हैं जिसका काफी फायदा यहां पर सोना उठाता हुआ नजर आया है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम आपको यही बताते रहे हैं कि यूएस और चाइना में कंसर्न्स हैं, ग्लोबल सेंट्रल बैंक यहां पर इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहे हैं और सोना अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह का अनरेस्ट हांगकांग में आते हुए देखा है, अर्जेंटीना में जैसे कल हमने पैसों को एक समय पे 30% तक गिरते हुए देखा, तो ऑफकोर्स ये सभी फैक्टर्स आपको बताते हैं कि सेफ हेवन खरीदारी यहां पर की जानी चाहिए। अगर आप इक्विटीज देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में यहां पर सेल ऑफ देखने को मिला है और जो सेफ हेवन्स हैं वहां पर खरीदारी है, तो चाहे वो जापानीज येन है या फिर गवर्नमेंट की ट्रेजरीज हैं या फिर सोना है जहां पर हमने आज भारत में फिर से रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखा है। और जैसे आपने पूछा कि यहां से क्या करना चाहिए, आई थिंक यहां से और बढ़त देखने को मिल सकती है, जैसे आपने कहा 40,000 का एक लेवल है जो बाजार में सभी लोग उसकी बात करते रह रहे हैं, तो वो स्तर यहां पर बहुत दूर नहीं है। पहले माना जा रहा था कि शायद हम वो लेवल अगले साल देखेंगे, लेकिन अब दिवाली और इस साल के अंत तक माना जा रहा है कि वो लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रुपया है, जहां पर 6 महीने के लोज पर हमने उसे गिरते हुए देखा है, तो 71 के लेवल जैसे यहां पर क्रॉस हुए हमने देखा कि काफी हद तक सोने में बढ़त वहां से भी देखने को मिली है। और याद रहे सोना सिर्फ भारतीय बाजारों में ऑल टाइम हाईज नहीं बना रहा है, अदर कंट्रीज जो है जैसे कैनेडा है, अर्जेंटीना है, यूके है, रशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दीपाली, इन सब कंट्रीज में भी हमने देखा है कि सोना ऑल टाइम हाईज बनाते हुए नजर आया है। तो जी हाँ, थोड़ी सी कॉशियस रहने की जरूरत है, मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिल सकती है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ में यहां पर सोने की खरीदारी अभी भी इन स्तरों पर भी बनती है। बिल्कुल खरीदारी बनती है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत हो, जब इतना दौड़ जाए कोई भी कमोडिटी तो कॉशियसनेस वैसे भी आ जाती है। शुक्रिया आपका मनीषा ये बताने के लिए कि तेजी के पीछे कारण क्या क्या है और आगे का आउटलुक क्या है। लेकिन प्रियंक आपका व्यू क्या रहेगा गोल्ड पर, अगर खरीदना भी हो किसी को तो किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़े?
देखिए अभी नो डाउट क्लियरली ट्रेंड जो है वो अपसाइड पर है. हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में $1500 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके ऊपर भी अभी मार्केट आराम से सस्टेन कर रहा है. तो नेक्स्ट टारगेट्स जो बनते हैं वो 1540-1550 के आसपास के बनते हैं. तो यहाँ से मुझे लगता है कि अभी भी $15-$20 का तेजी आ सकता है इस काउंटर में. अभी 38,500 के आसपास के ट्रेड्स हो रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट्स पे. तो स्टार्ट विथ 38,100-38,000 ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स का काम करना चाहिए. वेरी इमीडिएट सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं क्योंकि रेंज अभी काफ़ी बड़ा है, वॉलेटिलिटी काफ़ी है, तो सपोर्ट्स भी डीपर रहेंगे. 38,150 से लेके 38,000 जोन से एक सपोर्ट जोन से रहेगा. एंड हायर साइड मैं मानता हूँ कि 38,800 से लेके 39,000 ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस रहेगा. लॉन्गर टर्म की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह का फंडामेंटल्स बाजार में शेपअप हो रहे हैं एंड जिस तरह का टर्मोइल है इक्विटी मार्केट्स में, तो सेफ हेवन अपील में गोल्ड नंबर वन है. नो डाउट ट्रेजरीज एंड जैपनीज येन में भी खरीदारी हुई है. तो ये जो मोमेंटम है मेरे हिसाब से बना रहेगा सेफ हेवन का. एंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 40,000 ज्यादा दूर नहीं है. 40,000 दूर नहीं है, सभी ये बात कर रहे हैं और अक्रॉस द ग्लोब हम देख रहे हैं कि सोने की मांग काफी बढ़ी है. अच्छा रुपी पर और मनीष जी इनफैक्ट आप बताइए, हमने देखा है कि आज काफी तेज गिरावट इसमें बनी और एक महीने का ट्रेंड भी देखें तो वीक ही रहा है. हाँ दीपाली, क्योंकि जैसे आपने कहा अपनी कमेंट्री में शुरुआत में ही कि 3.5% की गिरावट हम रुपए में इस महीने में यहाँ पर देख चुके हैं, तो एक रीजन कि आप सोने में ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखे, एक रीजन सबसे बड़ा ये था कि रुपए में हमने इतनी भारी गिरावट यहाँ पर आते हुए देखी. काफी हद तक जैसे हम पहले भी बात करते रहे कि जो ट्रेड वॉर है वो करेंसी वॉर में तब्दील होता हुआ नजर आया. जिस तरह का सेल ऑफ हमने चाइना यूएन में आता हुआ देखा है, कल अर्जेंटीनो पैसो में देखा है, स्ट्रेंथ यहाँ पर यूएस डॉलर इंडेक्स में है और सभी एशियन करेंसीज में आज गिरावट देखने को मिली और उसका असर यहाँ पर रुपए पे भी था. 71.20 हम आपको बताते रहे कि काफी समय से एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है रुपया, उसको भी आज यहाँ पर तोड़ता हुआ नजर आया. तो अगले लेवल्स जो आपको देखने हैं वो 71.45 या 71.50 जैसे हैं. इन लेवल्स पे बाजार मानता है कि एक रिकवरी यहाँ से देखने को मिलेगी. आरबीआई शायद इन लेवल्स को डिफेंड करने की कोशिश करेगा, तो ये स्तर देखने वाले हैं. लेकिन अगले 2-3 दिन अभी भी बाजार को लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी नरमी रह सकती है. मनोज जी आपका व्यू क्या है, रुपया अगर और कमजोर हुआ तो कितना कहां तक जा सकता है अगले 2-3 दिनों के लिए, स्पेशली अगर कोई आउटलुक लेकर चलें? बिल्कुल, जब तक रुपी स्पॉट की बात करें तो यहाँ पे 71.20 के लेवल ब्रेक हुए, वहीं फ्यूचर्स में हमने देखा है कि 71.50 के स्तर जो है ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं. तो जो गिरावट है रुपी में वो एक्सटेंड हो सकती है. यहाँ पे 71.80 से 72 तक के स्तर अगले 1-2 दिन में देखने को मिल सकते हैं. तो जो गिरावट है रुपी की अभी भी वो डिपेंड हो सकती है और यहाँ पे 30 पैसे से लेकर 50 पैसे तक की गिरावट और अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकती है. ठीक है, तो कमजोरी यहाँ पर और एक्सटेंड हो सकती है, 71-75 तक के लेवल्स की अब बात हो रही है. मनीषा जी शुक्रिया गोल्ड पर और रुपए पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए. लेकिन इसके अलावा इनफैक्ट एक क्विक व्यू सिल्वर पर भी ले लेते हैं क्योंकि ये भी 33 महीनों के ऊपरी स्तरों पर पहुंचा है. प्रियंका आपका आउटलुक क्या है अभी सिल्वर पर? जिस तरह से हमने गोल्ड का डिस्कशन किया एक बुलिश आउटलुक निकल के आता है सिल्वर के लिए भी. सिल्वर में मेरे हिसाब से 44,800 से लेके 45,000 ये हायर साइड शॉर्ट टर्म रेंज रहनी चाहिए. अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करूं तो 17.60 से लेके 17.80 ये हायर साइड जोन्स रहेंगे जहां पे हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन शॉर्ट टर्म. और वेरी शॉर्ट टर्म में 44,000 से लेके 43,500 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करना चाहिए. बायस अभी भी पॉजिटिव दिखता है सिल्वर में. प्रियंके क्विकली व्यू अपना निकल पर भी दीजिए, ये भी 15 महीनों के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है. देखिए निकल में हमने ऑलरेडी एक अच्छा खासा रनअप आता हुआ देखा है, पर ये मैं मानता हूँ कि 1150-1180 जोन से ये एक डिफिकल्ट जोन से रह सकते हैं मार्केट्स के लिए. मार्केट में भी यहाँ से और 20-30 रुपीस का शूट आउट बता सकते हैं ऑन द हायर साइड, बट ये सस्टेन होना एक क्रिटिकल फैक्टर रहेगा. मैं मानता हूँ कि 1170-1200 जोन्स एक डिफिकल्ट जोन्स रहेंगे, वहाँ से फिर से हम एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है टुवर्ड्स 1100 से लेके 1070 ये रेंजेस तक. ठीक है, काफी दौड़ चुका है ऊपर की तरफ, अब थोड़ा सा अटक सकता है निकल, इस पर ध्यान दीजिए. लेकिन अब बात करेंगे मंडे की खबरों की. और
पहली तिमाही में कृषि निर्यात में गिरावट देखने को मिली है और FY20 के पहले तीन महीने में निर्यात 10.5% गिरकर 28,009 करोड़ के करीब रहा है। एपिडा के मुताबिक बासमती चावल का निर्यात 12.5 लाख टन से गिरकर 11.5 लाख टन रहा है, जबकि गैर बासमती चावल का निर्यात 21 लाख टन से गिरकर 11,94,000 टन रहा है। दालों का निर्यात 50,000 टन से गिरकर 40,000 टन के करीब रहा है। इसके अलावा फलों के निर्यात में भी गिरावट आई है, लेकिन सब्जियों का एक्सपोर्ट बढ़ा है। मनोज जी, आप एग्री कमोडिटीज पर कोई व्यू देना चाहेंगे, क्योंकि आज भी हमने काफी मिला जुला ट्रेंड इन कमोडिटीज में बनते हुए देखा था, तो यहाँ पर कोई कमोडिटी जिस पर ध्यान देना हो? इंडियन ऑयल कॉम्प्लेक्स में हमने एक अच्छी रैली जो है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में आते हुए देखी है। स्पेशली रिफाइंड सोया तेल की बात करें तो यहाँ पे निचले स्तरों से लगभग 4-5% रिकवरी पिछले एक वीक में हमने आते हुए देखी है। कीमतें अपने रेजिस्टेंस लेवल 755 के स्तरों के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव लगता है। तो मेरा मानना है कि डिप्स में कहीं भी 748-750 के आसपास सेप्टेम्बर वायदा अगर आता है तो वहां खरीदारी की रणनीति रखना चाहिए। ऊपर में ग्रेजुअली जो है बढ़त जारी रहेगी, ऊपर में 760-764 तक के स्तर यहां पे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में बुर्सा मलेशिया और CBOT दोनों पे बढ़त है और रूपी की जो वीकनेस है उसका जो सहारा है या खाने की तेलों को जो है मिलता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे गिरावट में बाइंग की रणनीति कर सकते हैं। वहीं ग्वार सीड और ग्वार गम में जो है हमने फिर से एक बार मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, तो ग्वार सीड वायदा फिर से जो सितंबर है वो 4,300-4,280 तक के स्तर यहाँ पे दिखा सकता है। अच्छा, एक राय अपने मसालों पर भी दीजिए। यहाँ पर काफी उठापटक हमने देखी है, धनिया जीरे में कमजोरी थी, इलायची के दाम काफी बढ़े हुए थे, यहाँ पर व्यू क्या है? मसालों में हम बात करें जीरे की तो वहां पे हमने गत सप्ताह भी बात की थी कि कीमतें एक बार 16,500 के स्तरों पे आ सकती है। अभी लगभग 16,700-16,800 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, तो जीरे में अभी 300 से 350 रुपए की ओर जो गिरावट यहाँ पे अगले कुछ सेशंस में देखने को मिल सकती है। तो जिनका सेलिंग का पोजीशन है वो 16,500 के लक्ष्य के लिए अभी बने रह सकते हैं। वहीं हम अगर कोरिएंडर की बात करें तो जिस तरह से मानसून में रिवाइवल देखने को मिला है और एक्सपोर्ट डिमांड जो है वहां पे भी थोड़ी कम होती हुई दिख रही है, तो उस लिहाज से यहाँ पे मुनाफा वसूली जो है देखने को मिल रही है। सेप्टेम्बर वायदा एक बार 5,950-6,000 के रेंजेस में देखने को मिल सकता है। हालांकि कार्डमम में हमने देखा है कि बढ़त जारी है, अगस्त वायदा की यहाँ पे कल एक्सपायरी है, तो उस लिहाज से सितंबर वायदा यहाँ पे भी लगभग 300-350 रुपए डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, तो ग्रेजुअली सितंबर वायदा में बढ़त आने वाले दिनों में जो है वो जारी रह सकती है। कीमतें वहां पे फिर से एक बार 4,000 तक के स्तर आने वाले समय में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जीरे में कमजोरी और एक्सटेंड हो सकती है, बिकवाली की पोजीशन हो तो बने रहिए, 16,500 तक ये जा सकता है। बाकी धनिया और इलायची पर भी आपको व्यू मिला है, लेकिन अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जो आपके सवाल है उनको करेंगे शो में शामिल, जल्द वापस आते हैं। आप देखें कमोडिटी कॉल, कॉलर हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। पहले कॉलर पंकज हैं उज्जैन से। पंकज जी गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो पंकज, गुड इवनिंग, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। जी हाँ, मुझे यही पूछना है, क्रूड में बनती है अभी? आप पोजीशन बनाना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी पोजीशन ली हुई है क्रूड में? नहीं, बनाना चाहते हैं। अच्छा, नई पोजीशन आपको बनानी है क्रूड में, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। प्रियंक बताइए क्या करें, क्रूड पर नई पोजीशन बनाना चाहती हैं, हालांकि आपने शुरुआत में क्रूड बेचने का व्यू दिया है, बट बताइए इनको क्या स्ट्रैटेजी रखें? वही फॉलो करना चाहिए, 3930-3960 मेरे हिसाब से एक रेजिस्टेंस जोन्स है, एंड 3990 4000 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एंड ऑन द डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक बार 3830-3750 एक रेंज है ऑन द डाउन साइड, ये आ सकती है इन शॉर्ट टर्म में। ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो क्रूड का नेगेटिव है, जब तक अभी 57-59 डॉलर्स के ऊपर सस्टेन नहीं करता है WTI, तब तक ट्रेंड डाउन रहने की संभावना दिखती है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बेचकर ही बनानी है क्रूड पर, 3750 तक भी जा सकता है थोड़े समय में। संजय है हमारे साथ फोन लाइन पर रोहतक से। संजय जी गुड इवनिंग, पूछे क्या क्वेश्चन है? गुड इवनिंग मैम, कॉटन सीड ऑयल के इसमें क्या करना चाहिए?
सितंबर के मेरे पास 3 लॉट 3200 भाव के कॉटन सीड, सितंबर के आपने 2 लॉट लिए हुए हैं, किस प्राइस पर? 3200 के जी, 3200 के, ठीक है। मनोज जी बताइए क्या करना है इनको, सितंबर के 2 लॉट ले रखे हैं कॉटन सीड के, 3200 का इनका भाव है। यहाँ पे ऊपरी स्तरों से थोड़ी बिकवाली जो है आते हुए दिख रही है, तो बाइंग का पोजीशन है तो 3050 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इनकी खरीदी हुई कीमतों से काफी नीचे कमोडिटी ट्रेड कर रही है, तो 3050 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से बिल्कुल एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि जो गिरावट है वो और बढ़ सकती है और कीमतें एक बार 3000 के नीचे भी फिसल सकती है, तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ वर्तमान स्तरों से रख सकते हैं, और अगर ऊपर में कहीं भी कीमतें 3120 के आसपास आए तो वहां पे जो एक बार एग्जिट करने का नजरिया रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ से नीचे जा सकते हैं भाव, आप एग्जिट कर लीजिए, 20 रुपए ऊपर का आप स्टॉप लॉस फिलहाल मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन निकलने की सलाह है। एक व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है नेहा का लुधियाना से, और सोने में ये निवेश करना चाहती हैं, इन्वेस्टर हैं। बताइए प्रियंक, हालांकि सोना ऑलरेडी इतना महंगा हो चुका है कि इस भाव पर भी निवेश करते हुए थोड़ी सी तो हिचकिचाहट होती है, लेकिन आप बताइए इस लेवल पे निवेश करें सोने में या फिर नहीं? डेफिनेटली ये काफ़ी ओवरशूटेड लेवल्स है, नो डाउट फंडामेंटल्स अभी भी पॉजिटिव है, बट रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे थोड़ा अनफेवरेबल है मैं ऐसा मानता हूँ। यहाँ से अगर 1000 पॉइंट्स का अगर करेक्शन आता है, 1000-1500 पॉइंट्स का करेक्शन आता है, वो एक अट्रैक्टिव लेवल से रहेंगे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल आया है और ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं मुंबई से राकेश। राकेश जी पूछिए क्या सवाल है आपका। सर जी मैडम जी, मेरे पास 20 टन एल्यूमिनियम स्क्रैप पड़ा हुआ है, करीबन 2 महीने से मैंने परचेस किया हुआ है। अच्छा, 20 टन एल्यूमिनियम स्क्रैप है आपके पास? हाँ। और किस का रेट रोज अप डाउन हो रहा है, इसको रखना है या बेचना है? हाँ, लेकिन आपने किस भाव पर लिया हुआ है ये तो बताइए। हाँ जी, किस भाव पर आपने लिया हुआ है ये 20 टन? 120 पे लिया हुआ सर। 120 पे आपने लिया हुआ है? हाँ, 104 लोकल स्क्रैप है। लोकल स्क्रैप है, हाँ। बहुत उठापटक देखी हमने एल्यूमिनियम के दामों में भी, इनफैक्ट मेटल्स का ही हाल काफी वोलेटाइल रहा है। क्या करना है प्रियंक आपके हिसाब से एल्यूमिनियम में? एल्यूमिनियम में मेरे हिसाब से 143-144 ये एक स्टेप रेजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं करेगा ट्रेंड डाउनसाइड का दिखता है, एंड डाउनसाइड में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक बार 138 से लेके 136 ये रेंजेस आ सकता है, तो उन्होंने अगर लोअर लेवल्स पे खरीदारी की है तो यहाँ पे एक बार पार्शियल प्रॉफिट्स तो बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, 120 का वो भाव बता रहे हैं, उस हिसाब से तो वो मुनाफे में ही है 20 रुपए के आसपास के, तो पार्शियल मुनाफा ले लें आप, बाकी पोजीशन को थोड़ा सा होल्ड रख लें, थोड़ा सा और यहाँ पर पैसा बन सकता है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को शो में शामिल करेंगे, फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, और एक सवाल हमें आया है व्हाट्सएप के जरिए पंकज का कोटा से, सवाल है इनका मस्टर्ड पर, 300 क्विंटल मस्टर्ड इनके पास है, किसान है ये, किस भाव पर है ये इन्होंने जानकारी नहीं दी है, बट मनोज जी आप बताइए अभी आउटलुक क्या है मस्टर्ड पर, इनका भाव क्योंकि मालूम नहीं है तो प्रिसाइस स्ट्रैटेजी बताना तो मुश्किल होगा, बट एक जनरली बताइए क्या व्यू है। नहीं बिल्कुल, मस्टर्ड सीड में हमने देखा है कि सेप्टेम्बर कॉन्ट्रैक्ट 3900 के जो सपोर्ट लेवल से उसको होल्ड करता हुआ दिख रहा है, तो किसान है बने रह सकते हैं। हमारा मानना है कि आगे फेस्टिव सीजन है और जिस तरह से एडिबल ऑयल में जो है रिकवरी देखने को मिल रही है, तो आगे मस्टर्ड सीड को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। मेरा मानना है कि अगले 1 से 2 महीने का अगर नजरिया लेके चले तो यहाँ पे 4000 से 4050 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो अगले 1 से 2 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, 4000 से 4050 के रेंजेस में आए तो वहां पे एक बार अपनी पोजिशन को एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है, 4000-4050 तक जा सकते हैं भाव अगले एक महीने के लिए, बने रहिए इसमें। हरी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर ओडिशा से, हरी जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम, बताइए सवाल अपना। हाँ मैडम, मेरा सवाल मनोज से। हाँ मेरा 151 पे अभी बाय किया हूँ 2 लॉट नेचुरल गैस, कहाँ से एवरेज करूँ और इसका निचला स्तर कहाँ है? ठीक है मनोज से, ठीक है मनोज जी बताइए, नेचुरल गैस 2 लॉट इन्होंने लिए हुए हैं 150 के भाव पर, जानना चाहते हैं एवरेज कर ले यहाँ पर, और यहाँ पर सपोर्ट नीचे की तरफ कहाँ दिख रहा है आपको? बिल्कुल एवरेज नहीं करना चाहिए, 147-146 एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन से,
और हमने देखा है कि कमोडिटी वहां पे जो है सपोर्ट लेती हुई दिख रही है, लेकिन अगर उसके नीचे का डाउनसाइड ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे 135 से 132 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। जब तक कमोडिटी 155 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होगी, यहाँ पे बढ़त देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर कहीं भी 152-153 तक के स्तर आते हैं तो एक बार बाइंग की पोजिशन एग्जिट करना चाहिए और एवरेज बिल्कुल इस कमोडिटी में नहीं करना। ठीक है, एवरेज करने की बिल्कुल सजेशन नहीं है, बल्कि मौका मिले तो आप निकलिए यहाँ से, ये सजेशन है। दीपक है फोन लाइन पर लुधियाना से। दीपक जी गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। मेरे पास 7 से 8 लॉट बिकर मेरे पास पड़े किया है। आपने बेचे हुए हैं 8 लॉट 960 के भाव? हाँ, पर बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, प्रियंक क्या करना चाहिए? निकल तो ऑलरेडी 15 मंथ्स के हाईस पर ट्रेड कर रहा है, इनकी पोजीशन शॉर्ट साइड पर है। ये उन्होंने मेरे हिसाब से काफी लोअर लेवल्स पे सेलिंग किया है और स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया है, अभी 1125 के आसपास के रेट्स है। मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि 1170 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और ये कमोडिटी काफी स्ट्रांग बुल मार्केट में है, तो कोई भी करेक्शन आता है वो करेक्शन पे शॉर्ट पोजिशन में से अपना एग्जिट ढूंढिए रादर देन शॉर्ट करना चाहिए। इसे ये बाइंग ऑन डिप्स की मार्केट है, तो यहाँ से अगर करेक्शन आता भी है मे बी अराउंड 1070 के आसपास, तो वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे जहाँ पे वो अपना शॉर्ट्स में से एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, तो निकल काफी तेजी के ट्रेंड में है, अगर थोड़ा भी नीचे जाए 1070 के आसपास तो वहां पर एग्जिट कर लीजिए, एटलीस्ट आपकी जो नुकसान आपको हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन सजेशन एग्जिट करने का ही, क्योंकि निकल अभी भी स्ट्रांग दिख रहा है। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल, शुक्रिया मनोज जी और प्रियंक आपका भी तमाम क्वेरीज पर अपने आंसर्स देने के लिए और आउटलुक कमोडिटीज पर शेयर करने के लिए। और इसी के साथ कमोडिटी कॉल में इतना ही, और लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।